हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू बैंगन की सब्जी। बैंगन आलू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, इसको बनाना भी बेहद आसान है, ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो ये हैं: 250 ग्राम बैंगन, 2 बड़े आलू, 1 बारीक कटी बड़ी प्याज, 1 बारीक कटा बड़ा टमाटर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा, नमक, 1 टीस्पून अचार, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। कढ़ाई लेंगे, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे जीरा, जीरे को हल्का सा चलाएंगे। अब उसमें डालेंगे प्याज, प्याज को हमने हल्का ट्रांसपेरेंट करना है, हल्का सा ही फ्राई करेंगे। प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे बैंगन और आलू और अच्छे से चलाएंगे। मैं इसको 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए फ्राई करूंगी। 2 मिनट के बाद इसमें टमाटर, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, अचार और हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हाई फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे ताकि टमाटर और सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। ये अच्छे से भुन चुका है, हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि बैंगन पकते हुए खुद थोड़ा पानी छोड़ेगा। लो फ्लेम पर ढक कर बैंगन आलू को गलने तक पकाएंगे। लो फ्लेम पर 10 मिनट पकाने के बाद आलू और बैंगन अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद कर इसको सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।